हाय प्यारे बच्चों, मैं इंसान अली प्रवक्ता सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद महाराजगंज आज इस ऑनलाइन क्लास में कक्षा 8 के सभी छात्र छात्राओं का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, अभी तक आप लोगों ने इंग्लिश रीडर पढ़ा, शुरुआत में आप लोगों ने इंग्लिश ग्रामर पढ़ा था, उसके बाद हमने इंग्लिश रीडर टेक्स्ट बुक पढ़ाया और 6 लेसन इंग्लिश रीडर टेक्स्ट बुक में समाप्त करने के पश्चात पुनः हम कक्षा 8 इंग्लिश ग्रामर में उपस्थित हुए हैं। तो आप लोगों का इस ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, शुरुआत में जो आप लोगों ने कक्षा 8 इंग्लिश ग्रामर पढ़ा था उसमें प्रायः आपने पढ़ा क्या था, ध्यान से देखिएगा। जो आपके इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर फर्स्ट सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए थे, उसके विषय में आपको पढ़ाया गया था। उस महत्वपूर्ण बिंदु में थे क्या, कैपिटल लेटर्स, यानी अंग्रेजी का बड़ा अक्षर, यानी जो आप ए बी सी डी ई ये आप लिखते थे, आप लोगों ने इंग्लिश का कैपिटल लेटर पढ़ा। उसके बाद आप लोगों ने प्रोनाउंसिएशन पढ़ा। प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, उच्चारण। कैपिटल लेटर के बाद आप लोगों ने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन को हिंदी में कहा जाता है उच्चारण। उच्चारण क्या होता है, जैसे आपने लिखा एच ओ एन, आपने लिखा एच ओ एन ई एस टी, अब इसका प्रोनाउंसिएशन आप लिखते हैं आनेस्ट। तो आप लोगों ने प्रोनाउंसिएशन पढ़ा था। प्रोनाउंसिएशन के बाद आप लोगों ने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पढ़ा था, जैसे ही ईट्स गुआवा। तो आप लोगों ने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पढ़ा था, यानी सब्जेक्ट के रूप में यहाँ ही है और ऑब्जेक्ट के रूप में गुआवा है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आप लोगों ने पढ़ा था। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पढ़ने के बाद आप लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच, हिंदी में कहते हैं इसे शब्द के भेद, शब्द भेद, आप लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा था। उस पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको नाउन के विषय में पढ़ाया गया था संज्ञा, प्रोनाउन के विषय में पढ़ाया गया था सर्वनाम, एडजेक्टिव के विषय में यानी विशेषण के विषय में पढ़ाया गया था, उसके बाद वर्ब यानी क्रिया के विषय में पढ़ाया गया था, फिर एडवर्ब क्रिया विशेषण अव्यय के विषय में पढ़ाया गया था, प्रीपोजिशन संबोधन सॉरी प्रीपोजिशन समुच्चय बोधक के विषय में पढ़ाया गया था, कंजक्शन संयोजक के विषय में पढ़ाया गया था, उसके बाद इंटरजेक्शन विस्मय बोधक के विषय में आप लोगों को पढ़ाया गया था पिछले ऑनलाइन क्लासेस में। ये अभी चैप्टर फर्स्ट का लेखा जोखा है। चैप्टर फर्स्ट में आपने क्या पढ़ा था, क्योंकि पुनरावलोकन करना बहुत ही आवश्यक होता है। आप जो छात्र छात्राएं पहले ऑनलाइन क्लासेस में नहीं जुड़े होंगे, वे पूर्व के यूट्यूब के चैनलों पर देख सकते हैं, किताब आपके पास उपलब्ध है कक्षा 8 इंग्लिश ग्रामर की, आप उसमें देख सकते हैं, उसमें आपको मिल जाएगा। उसके बाद चैप्टर फर्स्ट में आपने पढ़ा काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के प्रकार, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो अभी चैप्टर फर्स्ट में आपने पढ़ा है। उसमें एसर्टिव सेंटेंस साधारण वाक्य पढ़ा, आप देखे होंगे साधारण वाक्य में एसर्टिव में दो वाक्य बताया गया होगा, अफर्मेटिव और निगेटिव। उसके बाद आप इंट्रोगेटिव पढ़े होंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी दो प्रकार के वाक्य बताए गए होंगे,
एस आर नो टाइप इंट्रोगेटिव और डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव। इंपरेटिव सेंटेंस पढ़े होंगे, यानी आज्ञा सूचक या आदेशात्मक वाक्य पढ़े होंगे। ऑप्टेटिव इच्छा सूचक वाक्य पढ़े होंगे। उसके बाद एक्सक्लेमेटरी विस्मय बोधक वाक्य आप लोग पढ़े हैं। ये भी चैप्टर फर्स्ट का लेखा जोखा है। उसके बाद चैप्टर फर्स्ट में ही आप लोग पढ़े होंगे द वर्ब एंड इट्स फॉर्म, क्रिया और क्रिया के रूप। उसमें आप पढ़े होंगे प्रेजेंट फॉर्म, यानी प्रेजेंट फॉर्म को प्रेजेंट टेंस को कहते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फॉर एग्जांपल ईट, ये क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है। उसके बाद आप लोग पास्ट फॉर्म पढ़े होंगे, यानी पास्ट फॉर्म या पास्ट टेंस, यानी इसको वर्ब की सेकंड फॉर्म कहते हैं। ईट की सेकंड फॉर्म होगा एट। उसके बाद आप लोग पढ़े होंगे पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, इसे कहते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, ईटन। ये आप लोग पढ़े होंगे। और उसके बाद आप लोग पढ़े होंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। देखिए ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसी में आईएनजी जोड़ना है। तो ये आपने पढ़ा वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, पास्ट फॉर्म यानी क्रिया की सेकंड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल क्रिया की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल जिरंड या क्रिया में क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना। उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा होगा ए एन और दी का यूज। ए क्या है, एन क्या है, आर्टिकल पढ़े होंगे। उसके बाद आर्टिकल में ए एन और दी का यूज आप लोगों ने पढ़ा होगा। उसके बाद आप लोग जो चैप्टर सेकंड पढ़े होंगे चैप्टर सेकंड वेरियस फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, वेरियस फॉर्म्स ऑफ द वर्ब यानी क्रिया के विभिन्न रूप। वेरियस फॉर्म्स ऑफ द वर्ब में आप क्रिया के विभिन्न रूप पढ़े होंगे, जो इसके पहले अभी बताया गया, प्रेजेंट टेंस, पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टेंस को कहते हैं, क्रिया की सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म कहलाती है, क्रिया की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल कहलाती है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर बनता है वह आपने इसमें पढ़ा। उसके बाद चैप्टर थर्ड आपने पढ़ा, चैप्टर थर्ड ये अभी आपकी पुनरावृत्ति की जा रही है, यानी पिछले ऑनलाइन क्लासों में आपने क्या पढ़ा उसी की पुनरावृत्ति की जा रही है, ताकि आपके दिमाग में उपज जाए कि इसके पहले आप लोगों ने क्या पढ़ा था। चैप्टर थर्ड में आप लोगों ने पढ़ा था यूज ऑफ वर्ब टू बी, यानी इज आर एम वाज और वेयर का आपने प्रयोग पढ़ा था चैप्टर थर्ड में।
यूज ऑफ वर्ब टू बी इज आर एम वाज वेयर का प्रयोग आप लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद चैप्टर फोर आप लोगों ने पढ़ा था इंपरेटिव सेंटेंस। ये चैप्टर फोर में आप लोगों ने पढ़ा था इंपरेटिव सेंटेंस। उसके बाद आप लोगों ने चैप्टर फाइव में यूज ऑफ हैव एंड डू, हैव और डू का प्रयोग आप लोगों ने चैप्टर फाइव में पढ़ा था। उसके बाद आप लोगों ने चैप्टर सिक्स में पढ़ा था यूज ऑफ इट एंड देयर। ये आप लोगों ने चैप्टर सिक्स में इट और देयर का प्रयोग आप लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद आप लोगों ने चैप्टर सेवन में क्या पढ़ा, यूज ऑफ मॉडल वर्ब्स, यूज ऑफ मॉडल वर्ब्स। इसमें आप लोगों ने क्या पढ़ा, शुड का प्रयोग, आर्ट का प्रयोग, मस्ट का प्रयोग और वुड का प्रयोग। पिछले ऑनलाइन क्लासेस में चैप्टर सेवन में आपने यूज ऑफ मॉडल वर्ब, शुड का प्रयोग, आर्ट का प्रयोग, मस्ट का प्रयोग और वुड का प्रयोग आप लोगों ने पढ़ा। तो ये तो प्यारे बच्चों आपके पिछले ऑनलाइन क्लासेस का लेखा जोखा रहा। आप इसका रिवीजन अपने बुक के माध्यम से या पिछले ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोग इसको पुनर्जीवंत कर लीजिएगा। इसको पुनः आप लोग आज और कल मिला के इसकी पुनरावृत्ति कर लीजिएगा। आगे के ऑनलाइन क्लासेस में आपको चैप्टर एट पढ़ाया जाएगा। आगे के क्लासों में आपको पढ़ाया जाएगा चैप्टर एट यूज ऑफ आर्टिकल, यूज ऑफ आर्टिकल्स। इसमें ए एन और डी का प्रयोग पढ़ाया जाएगा। तो प्यारे बच्चों जो पिछला ऑनलाइन क्लासेस चला है आप उसकी पुनरावृत्ति कर लीजिएगा, उसका रिवीजन कर लीजिएगा और उसके बाद कक्षा आठ के जो आठवां चैप्टर है आर्टिकल उसको आप ध्यान से देखिएगा। कल अगले ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में आपको चैप्टर एट आर्टिकल के विषय में पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।